आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है और राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। जबकि राज्यपाल का विधानसभा में भाषण करीब 1 घंटे तक चला और इस दौरान अभिभाषण के बाद विधानसभा में राष्ट्रगान भी गाया गया। इस अवसर पर मैं नई सरकार के गठन और नव निर्वाचित सदस्य को बधाई भी देती हूँ। कोरोना कालखंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संपन्न हुआ। इसके लिए 75 जनपदों के कुल 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,74,803 मतदान बूथ स्थापित किए गए थे। मैं विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्वक तथा सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश की जनता, भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल व अन्य समस्त हृदय से अभिनंदन करती हूँ। इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही जमकर हंगामा किया सपा ने, तो किस तरह से देखते हैं, क्या ये गरिमा बना के भी करा जा सकता था? क्योंकि नारेबाजी की गई और अगर 6 दिन भी इसी तरह से नारेबाजी चलती है तो क्या जनता के मुद्दे उठाए जा सकेंगे? जी बेशक, अगर शिखा देखे तो सत्र की कार्रवाई आज जब शुरू हुई तो राज्यपाल महोदया का अभिभाषण चल रहा था। उस दौरान समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो विधायक थे उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, साथ ही साथ राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं देखे तो राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के दौरान ऐसे कृत्य कहीं ना कहीं अगर देखे तो ऐसे गलत तरीके हैं, क्योंकि अगर देखे तो ये दूर दराज से अनेक क्षेत्रों से विधायक चुन के आते हैं, जनता की समस्याओं को आ रखते हैं और उनकी उस पर चर्चा होती है और उसके निदान के लिए समक्ष सभी बैठ कर पक्ष विपक्ष उसके निदान पे काम करता है। मगर आज जब अभिवादन शुरू हुआ राज्यपाल महोदया का, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं देखे तो जो पहला सत्र है बजट का इस सरकार का, तो इसमें जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नहीं आ रहा है। वही महंगाई बेरोजगारी के पोस्टर भी लहराए गए और वही कानून व्यवस्था को लेकर भी नारेबाजी की गई। और आपको बताएं कि योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट सत्र है और 6 दिनों तक चलने वाला ये सत्र आम बजट पेश करेगी 26 तारीख को। और लगभग आपको बताएं कि 6.5 लाख करोड़ का ये बजट होगा और कार्रवाई के दौरान मीडिया से भी जब सत्र खत्म हो जाएगा तो मीडिया वाइज मुख्यमंत्री रहेंगे और साथ ही साथ जो सदन के अगर देखें तो तमाम नेता है उनकी भी वाइज आएंगी। मगर आज विभांशु, जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, शांति देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं गलत उदाहरण पेश करता है और हर बार इसी तरह से ये हंगामा देखने को मिलता है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि सरकार आवाज दबाती, विपक्ष की बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन जब सदन का आयोजन किया जाता है, सदन बुलाई जाती है मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, तब वहां पे हंगामा करके सदन का समय खराब किया जाता है, किस तरह से देखते हैं? जी बेशक, शिखा अगर देखे तो ये तमाम विधायक, चाहे अगर देखे तो विपक्ष के हो तो उनको समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछने का पूरा हक है। मगर अगर सदन की कार्रवाई जो कि आज से और 26 तारीख चलेगी, इसमें कहीं ना कहीं ये समय समाज के लिए, जनता के लिए उनकी समस्याओं को निदान को लेकर वो सरकार को घेरे, ऐसा होता रहता है। मगर अगर देखे तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरान जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो विधायक है, उनसे सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं। इसमें नारे की जगह पे अगर देखे तो वो सवाल उठाए, मगर जनता की समस्याओं को रख
के महंगाई शिक्षा कानून व्यवस्था के मामले को उठाए जाए, ऐसे उठाए मगर उचित समय पे उठाए जिसका जवाब हो सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक पद पे है, वो एक जनता से चुनकर नहीं आती बल्कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से लाया जाता है। वो अगर देखे तो संविधान की रक्षक और साथ ही साथ विधान जनता की समस्याओं को उठाए, ना कि राज्यपाल महोदया के भाषण के दौरान उनको वापस जाने के नारे लगाना, कहीं ना कहीं गलत है। जैसे कहा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु, अगली खबर भी बने रही है, हमें जानकारी देते रहिए। यूपी में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच सोमवार की सुबह से ही प्री मॉनसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया। यूपी के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के चलते दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मंगलवार को भी अच्छी बारिश के आसार है। तस्वीरों में देखा जा सकता है हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, तीनों जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से भारी बारिश देखने को मिली है और तेज हवाओं के साथ ये बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद मौसम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां तेज गर्मी धूप से लोग परेशान हो रहे थे, घर से बाहर निकलना भी लोगों का मुश्किल हो रहा था, तो वहीं मानसून की दस्तक कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और जो ये बारिश हो रही है ये लोगों को काफी राहत भी देती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है, लखनऊ में भी आज बारिश हुई है तेज आंधी तूफान के साथ, तो किस तरह से देखते हैं गर्मी से राहत मिल रही है जनता को, कितना जरूरी था ये बारिश? जी शिखा, आपको बताया कि राजधानी समेत कई जिलों में आज तेज बारिश आंधी के बाद बारिश हुई है, जिसको आपको बताएं कि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट था कि जो आने वाले आपके 23, 24 और 25 है ये तीन दिनों तक बारिश की संभावनाओं का कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि तेज आंधी और बारिश होगी। वो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो सूचना था वो कहीं ना कहीं सत्य होते हुए नजर आया है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में तेज बारिश के साथ साथ तेज आंधी आई और जिसके बाद मौसम जो है वो कहीं ना कहीं सुहाना देखने को मिल रहा है। अगर बात करें विगत दिनों तो तेज गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच कहीं ना कहीं जनता व्याकुल थी, गर्मी से परेशान थी, मगर इस बारिश से कहीं ना कहीं उन्हें ठंडक की राहत मिली है और गर्मी से निजात मिली है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है तीन दिनों की, क्या वाकई में तीन दिन बारिश आता है और लोगों को इस बारिश से जो खराब है तेज धूप से कहीं ना कहीं लोग परेशान है, उससे निजात आगे में मिलता है या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। और लखीमपुर खीरी से हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर में भी बारिश देखने को मिली है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया था और अब बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, गर्मी से राहत मिली है, पारा कितना गिरा है? बता दूं जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक अपडेट जारी की थी कि तीन दिन तक जो है मौसम सुरमा रह सकता है, बरसात भी होगी, तेज हवाएं भी चलेगी, तो कल भी तेज आंधी और बरसात भी हुई थी जिसमें लखीमपुर खीरी में घटनाएं भी हुई, इससे पिता पुत्र की बिजली गिरने से भी मौत हुई थी, उसके बाद में आज भी तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, तो मौसम तो एकदम जो है गर्मी से राहत मिली है लोगों को, किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है, किसानों की जो फसलें गर्म मौसम की वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही थी, महंगाई भी थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी लाभ हुआ है और गर्मी से पूरी तरीके से जो राहत मिली हुई है। जी धीरज, गर्मी से तो राहत मिली है कहीं ना कहीं जनता को, लेकिन अगर बात करें बारिश के साथ जो आंधी तूफान आया है उससे कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है? जी देखिए, बिल्कुल, जो आंधी और तूफान आया उससे तो जो गरीब लोगों की झोपड़ियां, वो दर्जनों ऐसे लोग हैं लखीमपुर जनपद जिनकी झोपड़ियां उड़ गई हैं, कई जख्मी भी हुई है, दो लोगों की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे लखीमपुर खीरी से।
देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र में सरकारी धन का बंदरबांट करने के आरोप में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गौरी बाजार विकास खंड के ग्राम बखरा में सामुदायिक शौचालय बनाने का काम शुरू किया गया था और तय लक्ष्य के मुताबिक 2020-21 में ये बन जाना था। मेरे द्वारा मझौली जो नगर पंचायत है मुझलीराज, इसमें गौशाला का निरीक्षण किया गया, उसमें भी अनेक कमियां दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें कि जो खड़ंजा लगना चाहिए वहां पर खड़ंजे के स्थान पर गोयम ईंटें लगी हैं जो कि खराब हो जाएंगी, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उसके अलावा जानवरों को भी सूखा चारा इत्यादि खिला रहे थे, उसके क्रम में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। फरीदाबाद के बल्लमगढ़ सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज सभी आढ़तियों का कहना है कि मंडी में पिछले कई सालों से पीने के पानी की सुविधा नहीं है और मंडी के अंदर बरसात के समय कई फुट पानी भर जाता है, जिसके चलते सभी आढ़तियों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ती है और मंडी के आढ़तियों के लिए आने वाली सब्जी की गाड़ियों के रास्ते को भी बंद करना पड़ता है। इसको लेकर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से शिकायत भी की गई लेकिन उनकी परेशानियों का अब तक निस्तारण नहीं हो पाया है। तो मंडी में जो मीटिंग की गई है वो इसको लेकर की गई है कि जो हमारा जो मेन कट है जीटी रोड का, जिससे हमारी एंट्री होती थी गाड़ियों की, यहाँ मंडी के अंदर लाखों आदमियों का आवागमन है जो सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है, जिसके लिए हमने कृष्णपाल गुर्जर अपने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी हमने गुहार लगाई थी। वो मौके पर आए भी थे यहाँ पर, उन्होंने देखा भी है मौका, उन्होंने एक्शन को बुला के यही बोला फिलहाल का कट खोला जाए और जो आगे की प्रक्रिया वो तुम जैसे भी तुम करोगे मैं उस पर साइन करके वो पुल का काम जब चलेगा चलता रहेगा, फिलहाल इनको एक कट दो यहाँ से। कृष्णपाल हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, कृष्णपाल जी वो भी कह गए कि भाई कट खुल जाएगा, अभी तक तो खुला नहीं है जी। आश्वासन ये दिया जी, अब कर रहे हैं हम कार्रवाई, खुलवा देंगे आपका कट। बरसात के मौसम में तो मंडी फाइनल लाए जी, यहाँ तो पानी भर जाता है घुटने घुटने, दुकानों के अंदर तक पानी घुस जाता है। हमारी तो मूल एक तो समस्या ये है कि यहाँ पर कट है जिससे यानी बहुत फर्क पड़ रहा है, व्यापारी लोग नहीं आ रहे हैं और हमारा माल 6 किलोमीटर आगे से जाना आना होता है, सो बहुत दिक्कत है। और एक ये है कि हमारे रिक्शे वाले जो जाते हैं माल लेकर, उनको यानी पुलिस वाले तंग करते हैं, आउटसाइड चलते हैं वो रॉन्ग साइड, तो उससे यानी उसमें यानी बहुत दिक्कत होती है, वो यानी 100-150 रुपए उनसे लेते हैं, तो व्यापार पे बहुत असर पड़ रहा है। योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा सक्रिय तो कर दिया गया है लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के थाना छतारी के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां एक मासूम बच्ची को खेलते समय बहला फुसलाकर एक 45 वर्षीय आदमी अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल की बच्ची के साथ एक लगभग 45 साल के उसी के पड़ोसी युवक के द्वारा रेप करने की बात प्रकाश में आई है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, उसका मेडिकल परीक्षण आज कराया जा रहा है। इस प्रकरण को हम लोग बहुत ही सीरियस तरीके से ले रहे हैं और हमारी कोशिश है 7 दिनों के भीतर इसमें आरोप पत्र लगा दिया जाए और 60 दिन के भीतर इसमें सजा करा दी जाए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां के मितौली तहसील के लेखपाल का घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो लेखपाल अरुण चौधरी पट्टा धारकों से नपाई के नाम पर रुपए मांग रहे हैं। हर एक पट्टा धारक से 2000 रुपए की वसूली की जा रही है, जिसकी पट्टा धारकों ने SDM से लिखित शिकायत की है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से ये पैसे मांगने की ऑडियो वायरल हो रही है उसके बाद पूरी तरह से हड़कंप मचा दिखाई दे रहा है और आपको भी सुनाते हैं कि इस ऑडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है। और इस ऑडियो की प्राइम टीवी पुष्टि नहीं करता है लेकिन ये ऑडियो वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए इस ऑडियो को। लाल जी को भेज दिया हमने, कहा कि कोई बात नहीं, अपने पास आदमी है सब, खर्चा तो आदमी लेता ही है। हाँ वो तो समझ भाई, मेहनताना हो गया आदमी, पेट्रोल के नाम पे ले लेता थोड़ा बहुत और बाकी वो कोई खर्चा थोड़ी नहीं। 2000 रुपए जायज भी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही वही कह रहा, 1000-2000 तो कोई। अच्छा
इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई जो आपकी इच्छा तो आप ही देता, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये कोई डिमांड नहीं कि आप इतना ही दें या कितना ही दें, जो आपकी इच्छा जो आपको लगे कि उचित है उतना दे दीजिए। कुल मिला के आदमी के आत्मा को कष्ट ना हो बस उतना हो, उससे हंसी खुशी ले लो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पैसा लिया है तो उसका काम कर दो। हाँ बस बस सीधे इस बात। अच्छा बागेश के 2000 रुपए लिए, बागेश के? हाँ वो उसी के होगी, पैमाइश के। अच्छा पैमाइश के बागेश के भी लिए और लाल जी के भी लिए 2000 रुपए? हाँ इन लोगों का तो बस केवल यही दो बाकी है, पैमाइश के लिए और कोई नहीं बाकी है, बाकी सबका निपट गया है। हाँ हाँ खबर देवरिया से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी एसओजी और थाना अध्यक्ष रामपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पटनवा पुल के पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम को बताया गया कि उसके साथ चोरी की घटना में 2 लोग और भी शामिल है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर गौरैया उसके 2 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो उधर पुलिस टीम द्वारा मौके से मोटरसाइकिलों को बरामद कर आगे की कार्रवाई की गई है। पुल के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा उसी की निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथियों को चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के साथ गौरैया घाट के पास से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा 3 शातिर वाहन चोरों को 6 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अंबेडकर नगर से है जहां कला के क्षेत्र में देश की अग्रणी समाज सेवी संस्था कलांतर आर्ट ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग लेखन संगीत और अभिनय प्रतियोगिता 2021 में देश के स्कूलों और आम नागरिकों के समान धरातल पर देश के 1382 से अधिक विभिन्न प्रकार के बंदीगृहों के कैदियों ने भाग लिया। कलांतर आर्ट ट्रस्ट के संस्थापक ने जेल के मल्टीपर्पज हॉल में बंदियों की कला की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और प्रमाण पत्र प्रदान किए। ट्रस्ट द्वारा घोषणा की गई कि जेल परिसर में कैदियों को पेंटिंग बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधीक्षक ने कहा कि कलांतर आर्ट ट्रस्ट की सहायता से बंदियों के भीतर छिपी कला को जागृत करके उनको सकारात्मक दृष्टि के साथ जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। तो वही ट्रस्ट के अधीक्षक ने सभी को शुभकामनाएं देने के साथ ही जेल को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। खबर गोरखपुर से है जहां के 9 थाना क्षेत्र के मालखाने में से रखे गए 50 लाख रुपए अनुमानित कीमत के अवैध शराब को चिलुआताल थाना परिसर में जेसीबी से गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया है। बता दें कि लंबे समय से थाने के माल खानों में इन अवैध शराब को रखा गया था, जिससे थानों में जगह जगह की कमी और थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को परेशानी होती थी। इसको देखते हुए एडीजी और डीआईजी के निर्देश पर एसएसपी ने अभियान चलाकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी थानों से प्रयास करके अधिकाधिक संख्या में माल निस्तारण कराया गया है, जिसमें शराब का माल चूंकि सबसे अधिक खराब होता है और सबसे ज़्यादा बदबू फैलाता है, इसलिए सबसे पहले उसका निस्तारण किया गया। 510 पेटी अंग्रेजी शराब, 12,150 सीसी देसी शराब और 21,617 लीटर अवैध कच्ची शराब आज दिनांक तक नष्ट की जा चुकी है। जो अंग्रेजी शराब मुख्य रूप से नष्ट की गई है वो थाना सहजनवा की है। खबर श्रावस्ती से है जहां नेशनल हाईवे खरगोरा पेट्रोल पंप के पास 2 दर्जन से अधिक जायरीनों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें कई जायरीन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक जायरीन की दर्दनाक मौत हो गई। इकोना के सरकारी अस्पताल से सभी को ट्रामा सेंटर बहराइच रेफर कर दिया गया है, जहां कई जायरीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को महिला पुरुष और मासूम बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। मेला से एक पिकअप, इसका नंबर UPCZ9497 था, संत कवि नगर ले या उनको तीर्थयात्रियों को लेके जा रही थी, जो नवीन माना थाना क्षेत्र में कटरा के पास में ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण गाड़ी खन्ने में चली गई। इसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, सभी को उपचार हेतु इकोना CSC से बहराइच के लिए भेज दिया गया।
प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।